अहमदनगर शहरामध्ये ग्रामदैवत असलेल्या श्री विशाल गणपतीची ढोल ताशांच्या गजरात मोठ्या उत्साहात प्रतिष्ठापना झाली. परंपरेनुसार पोलीस अधीक्षक इशू सिंधू यांच्या हस्ते महापूजा आणि आरती करून उत्सव मूर्तींची स्थापना करण्यात आली. यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक सागर पाटील, शहर उप अधीक्षक संदीप मिटके, देवस्थानचे अध्यक्ष अभय आगरकर उपस्थित होते. 11 फूट उंच अशी विशाल मूर्ती ही अहमदनगर शहराची ग्रामदैवत आहे. त्याचप्रमाणे डीवायएसपी मिटके साहेब, वाघ साहेब ही सर्व यांच्या उपस्थितीमध्ये सर्व हा विधिवत कार्यक्रम पार पडला. आणि या 10 दिवसामध्ये आपण ट्रस्टच्या वतीनं विविध उपक्रम या ठिकाणी साजरे करणार आहोत. त्यामध्ये धार्मिक कार्यक्रम असतील, काही सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, काही समाज प्रबोधनात्मक कार्यक्रम असतील आणि इतर काही कार्यक्रम असतील. असे सर्व कार्यक्रम आपण 10 दिवसामध्ये. आज गणेशाची स्थापना माननीय श्री संधू साहेब यांच्या हस्ते या विधिवत पार पडली. पिछले साल की तरह इस साल भी गणपति और मुहर्रम एक साथ आया है. पुलिस ने ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं. गणपति मंडल के साथ भी चर्चा हो गई है. यानी पिछले साल की तरह ही बंदोबस्त रखा गया है. इस बार सीसीटीवी कैमरास ज़्यादा हैं और साथ में जो मृणुक रहने वाली है उसमें हम ड्रोन से भी वॉच रखने वाले हैं. जो भी शरारती तत्व हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी बना ली गई है. प्रिवेंटिव एक्शन चालू है, उन पर वॉच रखी जा रही है. मेरा बस ऐसा ही आह्वान है जनता से कि खूब उत्साह से साजरा करें पर रिस्पॉन्सिबली करें. र्यूमर्स का साथ ना दें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे एक दूसरे की भावना ठगे. मेरी तरफ से यही शुभेच्छा. 400 सीसीटीवी प्राइवेट हैं, उसके अलावा 100-150 से जो कैमराज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हम प्रशासन की तरफ से रख रहे हैं. उसके अलावा साथ में ड्रोन रख रहे हैं, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे. आज यहाँ गणपति स्थापना में मैं आया, मेरा सौभाग्य है. बहुत बढ़िया पूजा हुई, बहुत बढ़िया वातावरण में गणपति का शुरुआत हुई है. अपेक्षा है, आशा है कि खूब अच्छी तरीके से गणपति इस बार हम अहमदनगर में मनाएंगे.